I hope you have understand chapter 2 nicely from the video and you have completed also the exercise in textbook and notebook both so now it's a time for activity book okay so let's start with the exercise of activity book the question A is tick the option correctly fits in each of the sentence given below so first Phillips is the dash has thin hair like structures आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन द डैश हैज थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स द ऑप्शन आर रूट और स्टेम बट द राइट आंसर इज रूट सेकेंड वन ऑनियन हैज अ डैश रूट ऑनियन को कौन सा रूट होता है द आंसर इज फाइब्रस रूट डैश इज द बैकबोन ऑफ अ प्लांट प्लांट का बैकबोन यानी कि सपोर्टिंग कौन होता है

गिव रीजन्स चिल्ड्रन इसमें हमें रीज़न बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट दिया है उसका रीज़न क्या है फर्स्ट वन इज द लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ शूट अब शूट क्या है तो जो प्लांट होता है उसका जमीन से ऊपर वाला हिस्सा है वो शूट है और जमीन के नीचे वाला अंदर वाला हिस्सा है उसको हम रूट कहते हैं नाउ द लीफ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट लीफ शूट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है द आंसर इज बिकॉज लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट एंड प्लांट ब्रीदिज थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ लीफ जो है वो प्लांट के लिए फूड भी बनाता है और अगेन प्लांट ब्रीदिंग लीफ के थ्रू करता है इसलिए लीफ प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट वन क्लाइंबर्स कैन नॉट स्टैंड अपराइट क्लाइंबर्स सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते बिकॉज द स्टेम ऑफ द क्लाइंबर्स आर सॉफ्ट एंड सो दे के नॉट स्टैंड अपराइट क्लाइंबर्स का स्टेम जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए वो अपराइट यानी कि सीधे खड़े नहीं रह सकते नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन सी फर्स्ट वन क्वेश्चन सी इज डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट वन इज अ टैप रूट एंड अ फाइब्रस रूट टेप रूट और फाइब्रस रूट के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है सो द आंसर इज सम प्लांट्स हैव वन थिक मेन रूट एंड मैनी थीन हेयर लाइक रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द मेन रूट इज कोल्ड अ टेप रूट कुछ प्लांट्स हैं जिसमें एक थिक मेन रूट होता है और उसमें से छोटे छोटे हैं थीन हेयर लाइक रूट्स ग्रो होते हैं इसको हम टैप रूट कहते हैं वाई सम प्लांट्स हैव सेवरल टाइनी रूट्स कॉल फाइब्रस रूट्स कुछ प्लांट्स जो है उसके बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स ही होते हैं कोई भी मेन रूट नहीं होता है उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं सेकेंड वन रूट एंड शूट रूट और शूट का डिफरेंस हमें बताना है द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच लाइज अंडर द ग्राउंड इज कोल्ड रूट वाई द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबोव द ग्राउंड इज कोल्ड शूट प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे होता है उसको हम रूट कहते हैं और ज़मीन के ऊपर होता है उसको हम शूट कहते हैं थर्ड वन एडिबल एंड इनएडिबल सीड्स द सीड्स दैट वी कैन ईट आर कोल्ड एडिबल सीड्स वाई The seeds that we can't eat are called inedible seeds. जिस seeds को हम खा सकते हैं उसको हम edible seeds कहते हैं जिसको नहीं खा सकते उसको inedible seeds कहते हैं So now let's move to exercise D. Write the functions of the following parts of a plant. नीचे जो हमें plants के parts दिए हैं वो क्या कार्य करते हैं उसके functions क्या है वो हमें लिखना है First one is stem. इट कैरीज़ वाटर मिनरल्स सोल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट स्टेम जो होता है वह वाटर मिनरल्स सॉल्स एंड फूड ये सब चीज़ें प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुँचाता है रूट इट अब्जॉर्ब्स न्यूट्रियस एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल रूट जो है वो सॉयल जमीन में से न्यूट्रियज एंड वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है लीफ इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट्स लीव हेल्प प्लाट्स टू ब्रीथ प्लांट के लिए फूड भी प्रिपेयर करता है और प्लांट को ब्रीदिंग में हेल्प करता है फ्लार इट टर्न्स इनटू फ्रूट्स, इट प्रोवाइड्स फूड टू बटरफ्लाइज एंड बीज फ्लार जो है वो फ्रूट में टर्न होता है और फ्लावर्स बटरफ्लाइज और हनी बीज को फूड प्रोवाइड करता है फिफ्थ फ्रूट इट द सीड ऑफ द प्लांट फ्रूट जो होता है वो कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है सीड्स को नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन ई गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नीचे जो हमें दिए हैं उसके टू टू एग्जाम्पल्स लिखने हैं फर्स्ट वन एडिबल सीड्स तो एडिबल सीड्स क्या क्या है आलमंड एंड कोकोनट सेकेंड वन फ्रूट्स एप्पल एंड मैंगो थर्ड वन फ्लावर्स लोटस रोज फोर्थ वन एडिबल स्टेम ऐसा कौन सा स्टेम है जिसको हम खाते हैं पोटेटो एंड जिंजर फिफ्थ वन इज एडिबल लीव्स ऐसे कौन से लीव्स है जिसको हम खा सकते हैं सो इट इज कैबेज एंड पीनेच नाउ लेट्स मू टू नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन एफ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स फर्स्ट वन रूट द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच लाइज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे रहता है उसको हम रूट कहते हैं शूट द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबो द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के ऊपर होता है उसको हम शूट कहते हैं ट्रंक द थिक एंड स्ट्रोंग पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबो द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम और ट्रंक एकदम थिक यानी कि मोटा और स्ट्रोंग पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड के अबो ग्रो होता है उसको हम स्टेम या ट्रंक कहते हैं नेटवर्क ऑफ लाइन्स ऑन द सर्फेज ऑफ द लीवस इज कोल्ड वेन लीव्स की सरफेज पर हमें लाइन्स का जो नेटवर्क दिखता है उसको हम वेन कहते हैं स्टोमेटा अफ ब्लेड हैज मैनी टाइनी पोर्स ऑन इट्सरफेस आर कोल्ड स्टोमेटा लीफ ब्लेड पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे लीव ब्रीदिंग करता है प्लांट के लिए उसको हम स्टोमेटा कहते हैं सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज क्वेश्चन जी ड्रो अ प्लान एंड लेबल इट्स पार्ट्स अब बच्चों इसके लिए मैंने रेफरेंस दिया है कि टेक्स्ट बुक में जो ड्रॉ किया हुआ है पेज नंबर वन हंड्रेड एटीन पर वही सेम आपको ड्रॉ करना है सो so इसलिए मैंने इसमें उसका ड्रॉइंग नहीं दिखाया है ना लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एच ड्रो अ लीफ एंड लेबल इट्स पार्ट्स लीफ का एक हमें पिक्चर ड्रा करना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है सो so, यहाँ मैंने एक पिक्चर दिया है आपको उसमें मैंने लेबलिंग किया है ये जो लीफ स्टॉक है पेटोल और लीफ की बॉर्डर्स है उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं मेन वेन है और साइड वेन से सो दिज ऑल आर वेन्स सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आई वॉट इज जर्मिनेशन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ जर्मिनेशन क्या है और उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है सो चिल्ड्रन आई हैव गिवन यू द डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन सो लेट्स एक्सप्लेन दैट बच्चों तुम जानते हो कि जर्मिनेशन क्या होता है ओके okay, मैं बताती हूँ आपको जर्मिनेशन एक सीड में से एक प्लांट का ग्रो होना ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं सीड से डायरेक्टली प्लांट ग्रो नहीं हो जाता इट्स अ प्रोसेस सो धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वाइज प्रोसेस होता है और अलग अलग स्टेप में उसको मैंने दिखाया है आप उसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो और अब उसके स्टेप्स देखते हैं हम जर्मिनेशन इज द ग्रोथ ऑफ अ सीड इन टू यंग प्लांट जमिनेशन क्या है तो एक सीड का एक यंग प्लांट में ग्रो होना उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं उसके स्टेप्स हैं वैन वी वॉटर द सीड अंडर द ग्राउंड वाटर एक्टिवेट्स प्लांट्स ग्रोथ जब हम कोई भी सीड को ग्राउंड के अंदर उगाने के लिए हम उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं उसके बाद उसके पर मिट्टी डाल देते हैं फिर उसमें हम पानी डालते हैं जब हम पानी डालते हैं तो वो वॉम उसको मिलती है और वो पानी के लिए पानी की वजह से वो सीड ग्रो होता है वो वाटर जो है वो सीड को एक्टिवेट करता है ग्रो होने के लिए सेकेंड वन सीड ग्रोज अ रूट टू एक्सेस वाटर अंडरग्राउंड जो सीड होता है उसमें से सबसे पहले रूट छोटा सा रूट निकलता है और वो जो है वो वाटर को अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है थर्ड वन द सीड ग्रो शूट दैट ग्रो टूवर्ड्स द सन सीड जो है वो रूट के बाद शूट ग्रो करता है जो सन के टूवर्ड्स यानी कि सन की तरफ ग्रो होता है यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो होता है द शूट ग्रो लीव्स च बिगीन टू मेक फूड फॉर द प्लांट शूट जो है वो लीव्स ग्रो करता है और लीव्स फिर प्लांट के लिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन सो नाव यू अंडरस्टैंड इट ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन छे पुट ऑन योर थिंकिंग कैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट वन नॉन गिन प्लांट्स केन नॉट मेक देयर ऑन फूड वाई नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते क्यों बिकॉज नॉन ग्रीन प्लांट्स डो नॉट हैव क्लोरोफिल इन द लीवस सो दे के नॉट मेक देर ऑन फूड नॉन ग्रीन प्लांट्स जो है इट इट मीन्स कि उसके जो लीव्स है वो ग्रीन नहीं है उसका कलर कुछ और है सो ग्रीन कलर जो है वो लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से होता है अब अगर लीव्स का कलर ग्रीन नहीं है इसका मीनिंग ये हुआ कि लीव्स में क्लोरोफिल नहीं है और अगर लीव्स में क्लोरोफिल नहीं है तो लीव्स फूड नहीं बना सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में सो so, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते नेक्स्ट वन इफ़ यू ईट एन एप्पल सीड कैन एन एप्पल ट्री ग्रो इनसाइड योर स्टमक मतलब कि अगर आप एप्पल सीड्स खा लो तो क्या आपके स्टमक में एप्पल ट्री ग्रो होगा सो द आंसर इज प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो एंड स्टमक हैज़ नन ऑफ अबो। मतलब कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स, वाटर सनलाइट ये सब कुछ चाहिए और स्टमक के अंदर ये सब कुछ उसको नहीं मिलता दैट्स वाई Apple, apple tree cannot grow inside our stomach if we eat the seeds of the apple. So, here we end up with the exercise. So, goodbye. Have a nice day, children. Be careful.